वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र, आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम ट्विटर क्लब में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सैमसंग जेड प्लस के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसका फुल फीचर क्या होने वाला है, स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है, इसका प्राइस क्या रहेगा, सारे डाउट क्लियर करने का कोशिश किया हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, कहीं स्किप मत करें। और इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई प्रश्न रहा है, सुझाव, तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, कैसे हैं डेली रोजाना नए नए टेक्नोलॉजी संबंधित, नए जॉब संबंधित वीडियो प्राप्त करेंगे, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बल्कि घंटा बटन में क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दे दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। सैमसंग ने सितंबर में हमने लॉन्च किया था A7 और जून में लॉन्च किया था Z8। तो Z का ही सक्सेसर ग्रुप में Z प्लस को देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो Z का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ओरियो था, और हालांकि Z प्लस इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम ओरियो ही रखा गया है, लेकिन Z8 जो था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड V8.0 था और इसका V8.1 रखा गया, थोड़ा ऊपर किया गया है। अब बात कर लेते हैं यदि वजन का, तो J8 था उसका वजन 191 ग्राम था और A7 का वजन 169 ग्राम था। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 170 से 200 ग्राम के बीच इसका वजन हो सकता है। अब बात करते हैं इसका डिस्प्ले का। तो इसका जो डिस्प्ले है, सबसे पहले इसका बैक का बात कर लेते हैं। तो इसको पीछे का जो बॉडी है वह पॉलीकार्बोनेट होने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं इसका स्क्रीन साइज का। तो स्क्रीन साइज इसमें 6 इंचेज का मिलने वाला है, हालांकि कहीं कहीं से अफवाह यह भी है कि 6.3 इंचेज का स्क्रीन मिलने वाला है। J8 में जो स्क्रीन था वह भी 6 इंच का था और A7 में 6 इंच का ही था। तो अब उम्मीद यही है कि इसमें भी शायद 6 इंच का ही मिले। हालांकि यदि 6.3 इंचेज का मिलता है तो और अच्छी बात है, आप तो आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना साइज इसका स्क्रीन का होता है। इसमें साथ ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। इसमें ऊपर में आपको नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। बात करें यदि डिस्प्ले क्वालिटी का, तो इसमें सुपर अमोल्ड देखने को मिल जाएगा। कलर की यदि जहाँ तक बात आता है, तो J8 जो था वह ब्लू, ब्लैक और गोल्ड कलर में था, और जो A7 था वह भी ब्लू, ब्लैक और गोल्ड कलर में था। तो इसका भी उम्मीद यही है कि अभी शायद 3 कलर में उपलब्ध हो जाए। सिम स्लॉट इसमें भी डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप एक साथ 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। 4G सपोर्टेड होगा, डुअल वोल्टी होगा या नहीं तो आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अब जो भी स्मार्टफोन आ रहा है उसमें डुअल वोल्टी सपोर्टेड होता है, दोनों सिम आप एक साथ वोल्टी में चला सकते हैं। यदि ऐसा रहा है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट सेंसर की यदि बात करें, तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर शायद साइड में रहे, अब साइड में रहता है या पीछे रहता है तो वक्त बताएगा। हालांकि जो A7 था उसमें आपको साइड में दिया हुआ था, और जो J8 था उसमें आपको पीछे रियर कैमरा के नीचे दिया हुआ था, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। फेस अनलॉक की सुविधा दिया गया। Z था वो फुल HD सपोर्टेड नहीं था, हालांकि Z प्लस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फुल HD सपोर्टेड होगा। बात करते हैं इसके प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर इसमें ऑक्टर कोर मिलने की उम्मीद है, जो 1.8 GHz का होगा। और जो चिपसेट की बात करें, तो क्वालकम का स्नैपड्रैगन 625 या 636 मिल सकता है। हालांकि कहीं कहीं से यह भी खबर आ रहा है कि क्वालकम का स्नैपड्रैगन 660 मिलने की उम्मीद है। अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा चिपसेट मिलता है। जो J8 था उसमें क्वालकम का स्नैपड्रैगन 450 था, तो इसमें उम्मीद यही है कि उससे थोड़ा सा आगे करके 625 या 636 दिया जा सकता है। यदि 660 दिया तो और अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि सैमसंग का जो स्मार्टफोन है वह इस रेंज में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 दे पाएगा। और बात करते हैं यदि ग्राफिक्स के लिए, तो ग्राफिक्स के लिए इसमें एंड्रेनो का 506 या 509 मिल सकता है, हालांकि कहीं कहीं 630 भी का भी उम्मीद लगाया जा रहा है। अब यह एक वेरिएंट में उपलब्ध हो गया है, 2 वेरिएंट में यह तो अभी नहीं पता है, लेकिन यह 4GB रैम और 64GB रोम के साथ यह आने वाला है, जिसे आप बाहर से मेमोरी कार्ड लगाकर 256GB तक बढ़ा सकते हैं। आर्किटेक्चर इसका 64 बिट का होगा। अब जानते हैं कैमरा के बारे में, कैमरा इसका कितना होने वाला है, क्योंकि कोई भी जब स्मार्टफोन खरीदते हैं तो कैमरा के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। तो जो J8 था उसका कैमरा पीछे में डुअल कैमरा था, लेकिन जो A7 था उसमें ट्रिपल कैमरा दिया गया था। हालांकि फिर यही उम्मीद है कि जो सैमसंग है J8 प्लस के रूप में फिर से डुअल कैमरा ही लेकर आने वाली है। तो जो J8 था उसमें 16 MP प्लस 5 MP का डुअल कैमरा था, और J8 प्लस में भी यही संभावना है कि 16 MP प्लस 5 MP का डुअल कैमरा ही आ सकता है। हालांकि कहीं कहीं 16 MP प्लस 24 MP
बताया जा रहा, लेकिन हमें नहीं लगता कि सैमसंग है जो उतना रेंज में आपको उतना मेगापिक्सल का आपका कैमरा देगा। यदि उस तरह का कैमरा देता तो बहुत अच्छी बात है, फिर से सैमसंग अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर लौट सकता है। और जो आई का कैमरा है वह 16 मेगापिक्सल हो सकता है, क्योंकि जो J8 था उसमें भी 16 मेगापिक्सल था, तो इसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। अब देखना यह है कि आई का कैमरा वह भी डुअल कैमरा देता है या फिर सिंगल कैमरा ही देता है। एलईडी फ्लैश की बात करें तो आपको आई का कैमरा उसमें भी एलईडी फ्लैश मिल जाएगा, पीछे कैमरा में एलईडी फ्लैश मिल जाएगा। बैटरी की यदि बात है तो बैटरी इसमें 3500 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो लिथियम आयन का होगा, नॉन रिमूवेबल होगा, और बाकी वही सब चीज़ है जो ब्लूटूथ है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट जो होता है वो सब कुछ जो रहता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। और यदि बात करें ऑडियो जैक का तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा। बात रहा कीमत का तो यह कितना कीमत में आएगा, तो A7 से तो तुलना नहीं कर सकते क्योंकि A7 बहुत सा फीचर था और उसका जो प्राइस था 24,000 था, तो उससे इसका प्राइस कम ही रहने वाला है। और जो J8 था उसका प्राइस 18,000 के लगभग था, 18,000 था, तो उससे कुछ ज्यादा होगा, यानी इसका जो प्राइस है आपको 19 से 21 तक के रेंज में आपको आ सकता है, 20-21-22 के रेंज में आपको इसका प्राइस हो सकता है। अब रहा यह रिलीज कब होगा, तो अनुमान यह लगा रहा है कि 25 अक्टूबर को शायद भारत यह लॉन्च हो सकता है। तो यह था हमें इस वीडियो के माध्यम से बताना, बाकी आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए इस मोबाइल का स्पेसिफिकेशन आपको कैसा लगा, इस रेंज में आपको कौन सा चिपसेट चाहिए, स्नैपड्रैगन 636 होना चाहिए, 660 होना चाहिए या फिर 625 होना चाहिए, आप हमें कमेंट में कमेंट करिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ किसी भी टेक्नोलॉजी संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए, जॉब संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के घंटे बटन में क्लिक कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।